बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। इस बुलेटिन में आपको यूपी उत्तराखंड की हर बड़ी खबर बताएंगे। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं हूं स्नेहलता और इस खास बुलेटिन यानी गंगा सवेरा में आपको यूपी उत्तराखंड की सियासत का हाल बताएंगे। इसके साथ ही आपसे आपके सरोकार से जुड़ी हर खबर दिखाएंगे और इस एक घंटे के खास बुलेटिन में आपको दिखाएंगे कि आपके जिलों में क्या चल रहा है। कोई भी खबर आपसे नहीं छूटेगी, तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं गंगा सवेरा। तो चलिए गंगा सवेरा की शुरुआत करते हैं जया वाराणसी से आई खबर के साथ, जहां इफ्तार पार्टी पर बीएचयू में बवाल की खबर है। महिला महाविद्यालय में आयोजित इस इफ्तार पार्टी के खिलाफ गुस्साए हुए छात्रों ने बीएचयू में पुतला भी फूंका है, कुलपति का पुतला फूंका है और कुलपति आवास के बाहर खड़े होकर तमाम स्टूडेंट्स ने नारे भी लगाए हैं। आपको बताएं कि बीएचयू में ये इफ्तार पार्टी आयोजित की गई थी, जहां से हंगामे की खबर और तस्वीरें आई और छात्रों का बयान, देश बढ़ रहा समान नागरिक संहिता की ओर और कुलपति कर रहे एजिपमेंट पॉलिटिक्स। छात्रों ने सुनाई सुरक्षा कर्मियों को खरी खरी और अगर करना है इफ्तार तो चले जाए एएमयू और जामिया। छात्रों ने कहा कि आज तक कभी नहीं बीएचयू में इफ्तार पार्टी हुई, ऐसे में अब भी नहीं होने देंगे और इसी को लेकर देखिए पूरा ये बवाल था। कुलपति आवास के बाहर जमकर नारे लगाए गए, नारेबाजी हुई और बीएचयू में की गई थी इफ्तार पार्टी। इसी को लेकर ये पूरा विवाद था क्योंकि अब से पहले बीएचयू में कभी इफ्तार पार्टी नहीं हुई। इसका हवाला देते हुए लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर की। विश्वविद्यालय में पिछले 5 वर्षों से मैं यहीं हूँ, कभी इफ्तार आयोजन नहीं किया गया। आज विश्वविद्यालय द्वारा बाकायदा जो है पीआरओ द्वारा जो है प्रेस रिलीज जारी की गई, प्रेस आमंत्रण जारी किया गया, पत्रकारों को बुलाकर इफ्तार पार्टी का आयोजन विश्वविद्यालय में पहली बार मेरी जानकारी के अनुसार हुआ है और इसे परंपरा बताते हुए किया गया कि हर साल ऐसा होता है, जबकि विश्वविद्यालय में ऐसा कभी नहीं होता। ये बहुत कुत्सित प्रयास है विश्वविद्यालय प्रशासन का कि इसको जो है एक गलत रंग देकर मजहबी रंग देने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत गंदा प्रयास है विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा, यह तुष्टीकरण की कार्रवाई है। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी सहयोगी नीतीश से लेते हैं। नीतीश, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की बात की जा रही है, कुलपति के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन, तस्वीरें हमारे सामने आई हैं, क्या हालात है फिलहाल ये बताइए और क्या कोई छात्रों का गुट है इसके पीछे? पहले हालात की चर्चा कर लें। अगर हालात की चर्चा करेंगे तो छात्रों में इस इफ्तार पार्टी को लेकर आक्रोश है। आक्रोश इसलिए है कि छात्र साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जब सब चीज ठीक ठाक है, कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है, तो ये इफ्तार पार्टी का प्रोपेगेंडा क्यों? आखिर इफ्तार पार्टी करके जो बीएचयू के कुलपति है वो क्या जताना चाहते हैं, सिर्फ ये छात्रों का कहना है। दूसरी ओर जो छात्र कह रहे हैं, जो छात्र इसका विरोध कर रहे हैं, वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भी जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही जो बीएचयू के अन्य छात्र हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जब बीएचयू के कुलपति को हमसे मिलने की बात होती है तो उनके पास समय नहीं होता, छात्रों के बीच जाने का समय नहीं होता। इसी बीच अगर वो इफ्तार पार्टी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर मजहबी रंग देने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि बीएचयू के कुलपति क्या इस मामले में आगे आकर कुछ कहते हैं, क्योंकि जब हमने बीएचयू के कुलपति से इस मामले पर बात करने का प्रयास किया तो अभी तक बात करने में हम लोग खुद भी सफल नहीं हो पाए, क्योंकि वो सामने आने से कहीं ना कहीं बचते नजर आ रहे हैं इस पूरे मामले के बाद। अब छात्र अभी आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, आज भी परिसर का माहौल गर्म है, छात्र अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं। कल जिस तरह से बीएचयू के कुलपति आवास के सामने छात्रों ने प्रदर्शन किया, पुतला दहन किया, अब आज भी बीएचयू परिसर का माहौल गर्म होने की पूरी संभावना है। बिल्कुल नीतीश, आप नजर बनाए रखिएगा, वक्त पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे, क्योंकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ये जो तस्वीरें आई हैं यहाँ पर साफ तौर पर आक्रोश और रोष दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट का कहना है कि हमसे मिलने का वक्त तो रहता नहीं है कुलपति पे, इफ्तार पार्टी का आयोजन कभी नहीं हुआ, अचानक से क्यों, तमाम चीजों को लेकर के तस्वीरें आई हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और चलिए आगे बढ़ेंगे लखनऊ से, अब आपको बड़ी खबर दे दें, सीएम योगी ने की है प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बैठक में सख्त निर्देश भी दिए हैं, किसी भी स्तर की कोई भी लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त, थाना स्तर के अधिकारी मामलों पर तुरंत एक्शन लें, ये सीएम के सख्त निर्देश है। बिल्कुल, और कई बार छोटी बड़ी घटनाएं वारदात में तब्दील हो जाती हैं। सीएम का कहना है कानून व्यवस्था को बरकरार रखना हर किसी की जिम्मेदारी है, आने वाले त्योहार पर किसी भी तरीके का हंगामा नहीं होना चाहिए, ये सुनिश्चित हो और शांतिपूर्ण ढंग से सारे त्योहार मनाए जाएं, ये भी जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी है। और इसके साथ इस बैठक की बात करिए आप तो इसमें दोनों उप मुख्यमंत्री भी शामिल हुए, मुख्य सचिव थे, एसीएस होम, डीजीपी भी इस बैठक में शामिल हुए, यानी कुल मिला के बेहद अहम। और आने वाले वक्त में देखिए ईद भी आने वाली है, उससे पहले ये सीएम की बैठक तमाम आला कमानों के साथ।
और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अनुभव शुक्ला मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं लखनऊ से। अनुभव, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक बैठकें हो रही हैं, कल अधिकारियों के साथ मीटिंग सीएम ने की है, क्या कुछ कल बैठक में हुआ है, क्या बड़ी बातें रही, बताइएगा। देखिए बिल्कुल, कल एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री ने की, जिसमें कई जो अफसर हैं वो मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे, दोनों उप मुख्यमंत्री पहुंचे, लेकिन बहुत सारे जो अफसर थे, ज़िलों के जो डीएम हैं, एसपी, एसएसपी, इसके अलावा एसडीएम स्तर के भी अधिकारी, सीओ, एसओ, इस रैंक के भी अफसर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें जुड़े और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कई दिशा निर्देश जारी किए। सबसे पहले तो ये कहा कि जो बीता 5 वर्ष था उसमें यूपी सरकार ने ये करके दिखाया कि कैसे उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त बनाया जा सकता और सांप्रदायिक सौहार्द का एक बड़ा उदाहरण पेश किया है। इसी तरीके से हमको अगले 5 साल भी काम करना है, बल्कि इससे और ज़्यादा बेहतर काम करना है। तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी थे उनकी पीठ भी थपथपाई, पर यह भी कहा कि इस काम को और बेहतर ढंग से करना है। आगामी जो त्यौहार आ रहे हैं, अभी देखिए जुमे की नमाज है, इसके बाद आप देखिए ईद का त्यौहार है और फिर अक्षय तृतीया भी उसी समय पड़ने की संभावना है। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पर विशेष ध्यान रखें, शांति व्यवस्था कायम रहे, सभी लोग अपने त्यौहार को मनाएं, सबको अपने ढंग से त्यौहार मनाने की पूरी इजाजत है, लेकिन दूसरे की भावनाओं का भी ख्याल रखा जाए। लाउडस्पीकर को लेकर जो कार्रवाई लगातार हो रही है, उस पर भी मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां भी अवैध तरीके से लाउडस्पीकर लगे उसको हटाने का काम किया जाए। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण निर्देश दिया, चाहे वो CDO हो, चाहे वो BDO हो, चाहे वो अन्य जो CEO हैं, SO हैं, इनको कहा है कि अब आपको जहां आपकी तैनाती है वहीं पर रात्रि विश्राम करना है। ये नहीं कि आपकी तैनाती किसी और जगह पर है और आप रह कहीं और रहे हैं, ये भी साफ तौर पर कहा है कि आप किराए का मकान लीजिए लेकिन वहीं रहिए। जो IG और ADG रैंक के अफसर हैं उनको भी कहा है कि आप रात्रि में भ्रमण भी करिए और कोशिश करिए कि दूसरे अलग अलग ज़िलों में जो आपके रेंज में ज़िले आते हैं वहाँ पर जाइए, वहाँ पर रहिए। और साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण निर्देश ये दिया है कि जितने भी उत्तर प्रदेश में ये जो शहीद स्मारक हैं, यहाँ पर अब PSC और पुलिस के जो बैंड है वो प्रतिदिन कम से कम आधे घंटे तक जो देशभक्ति की धुन है उसे भी बजाएंगे। ये अब नियमित एक हम कहें कार्यक्रम होगा, इसके लिए कार्ययोजना बनाने के भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। कोरोना के मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, हालांकि उत्तर प्रदेश में काफ़ी नियंत्रित है कोरोना, उसको लेकर भी कहा कि सब लोग 24/7 अलर्ट मोड पर रहेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण निर्देश जो हैं वो मुख्यमंत्री ने दिए हैं। खासतौर से अगर हम कहें जो बेसिक शिक्षा के प्रसिद्ध स्कूल है वहाँ पर भी बच्चे जाएँ तो उनको किस तरीके से शिक्षा मिल सके, इस पर भी निर्देश जारी किए। अनुभव, बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं, खासतौर से कानून व्यवस्था को। ईद भी आने वाली है और नमाज की बात भी कर रहे हैं और इसके साथ आने वाले वक्त में त्योहारों का पूरा देश है भारत, ऐसे में कानून व्यवस्था और जिस तरीके से लाउडस्पीकर को लेकर के विवाद चल रहा है उस पर नजर जरूर सीएम की है, इसके लिए साफ कर दिया उन्होंने इस मीटिंग के जरिए। शुक्रिया अनुभव जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात चाचा भतीजे के बीच जंग की कर लेते हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच तकरार लगातार जारी है। शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव पर उस बयान पर अब पलटवार कर दिया है जिसमें अखिलेश ने शिवपाल को भाजपा में जाने की बात कही थी। बिल्कुल, और शिवपाल ने कहा कि अखिलेश का ये बयान नादानी से भरा है। वहीं आजम खान को लेकर अखिलेश यादव का कहना है कि आजम खान के साथ समय आने पर मुलाकात करेंगे। आपको ये बताएं कि शिवपाल यादव ने आजम खान के बहाने सपा और मुलायम सिंह को घेरा था। तो देखिए, चाचा भतीजे में जो तकरार है वो बयानों के जरिए खुल करके सामने आ रही है, जहां एक तरफ अखिलेश यादव से पूछा जाता है कि ये बताइए कि शिवपाल नाराज क्यों चल रहे हैं और बीजेपी में जाने की खबरें क्यों आ रही हैं, तो अखिलेश कहते हैं कि आखिर गई क्यों नहीं, बीजेपी इतना इंटरेस्ट ले क्यों रही है, ये सवाल उनसे पूछिए। इस पर शिवपाल ने भी पलटवार किया कि ये जवाब तो नादानी से भरा है। और आगे बढ़ेंगे जया, बात करेंगे इटावा की, जहां अखिलेश यादव ने बीजेपी को महंगाई और बिजली के मुद्दे पर जमकर घेरा। अखिलेश यादव ने कहा कि इस बीजेपी की सरकार से कोई उम्मीद ही नहीं है। इसके साथ वो कहते हैं कि बिजली आपूर्ति पर कई सवाल हैं और सरकार बदल जाती तो बिजली की व्यवस्था बेहतर होती, सुधर जाती। जो बुनियादी मुद्दे हैं उन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी बहस नहीं चाहती है। डीजल, पेट्रोल, गैस की कीमत, ज़रूरत चीज़ों की कीमत, अगर कोई आज घर बनाना चाहेगा, स्टील और सीमेंट की क्या कीमत हो गई है, तो जो बुनियादी मुद्दे हैं उन पर बहस भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती, लेकिन इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। बदल जाती तो शायद बिजली सुधर जाती और आपको 300 यूनिट बिजली नहीं चाहिए थी फ्री। तो समाजवादी सरकार होती तो बिजली, आज सरकार से पूछिए
कि आपने दिल्ली और लखनऊ की सरकार होने के बाद कितनी मेगावाट बिजली बढ़ाई है। पूरे चुनाव भर हम लोग कहते रहे कि बीजेपी ने कोई बिजली का उत्पादन नहीं किया। और अब बात यूपी में लाउड स्पीकर्स की कर लेते हैं, क्योंकि धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर्स की आवाज कम होने पर यूपी में रिकॉर्ड कार्रवाई हो रही है। कई जगह मस्जिद में मौलाना और मंदिर के धर्मगुरु खुद लाउड स्पीकर्स को हटा रहे हैं। लीजिए, आंकड़ों से अगर हम जोड़ करके देखें तो यूपी में अब तक 6031 अवैध लाउड स्पीकर हटाए गए हैं, 29674 लाउड स्पीकर्स की आवाज कम की गई है और अभी दो दिन बाकी हैं। 30 अप्रैल को जिले के सभी अधिकारियों से लाउड स्पीकर पर हुए कार्रवाई की रिपोर्ट तलब की गई है। उसमें ये आंकड़े बदल जाएंगे, फ्लक्चुएट करेंगे और तब क्लियर पिक्चर सामने आएगी कि आखिरकार कितनी जगह लाउड स्पीकर जरूरी नहीं थे फिर भी लगाए गए थे, किनकी आवाज पर्टिकुलर डेसिबल से ज्यादा थी उस पर भी कार्रवाई की गई है। तो 30 तारीख का इंतजार कीजिए जब ये रिपोर्ट एकदम क्लियर हो जाएगी। और आगे बढ़ेंगे जया, बात करते हैं ऑपरेशन लाउड स्पीकर में, जहां एबीपी गंगा ने अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी से बात की तो उन्होंने बताया कि लाउड स्पीकर हटाने के लिए लोग भी सहयोग कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में अब तक 25,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर उतार दिए जा चुके हैं। और क्या कुछ उन्होंने कहा आप भी सुनिए। एबीपी के एसीएस होम अवनीश अवस्थी जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है एबीपी गंगा जी। सर, लाउड स्पीकर को लेकर अभियान चल रहा है, कितना अभी तक कार्रवाई हुई? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने पहले अभी कुछ ही समय पहले एक वीसी ली थी सभी वरिष्ठ अधिकारियों की, कमिश्नर्स की, एडीजीस की, आईजीस की। उसमें उन्होंने ये निर्देश दिया था कि जितने भी हमारे पुलिस के और प्रशासनिक अधिकारी हैं वो धर्मगुरुओं से संवाद बनाकर त्योहारों को बहुत ही अच्छे से मनाने के लिए, त्योहारों को जो है भव्य रूप से मनाने के लिए बैठक करें। 24 घंटे में बैठक आयोजित हुई और पूरे प्रदेश के हर जनपद में इन बैठकों का काफ़ी लाभ मिला। साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी ने यह भी आदेश दिया था कि जो भी कानून है प्रदेश का लाउडस्पीकर्स के संबंध में, उस कानून का पालन हो। आपने खुद देखा कि कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर से लाउडस्पीकर उतार लिए गए। आपने खुद ही देखा और भी जगहों पर जो है जहाँ जहाँ इस पर कार्य हुआ तो मंदिरों से, मस्जिदों से, अन्य धर्म स्थलों से जो है लाउडस्पीकर या तो उतार लिए गए हैं या फिर उनकी साउंड जो है निर्धारित मात्रा में कर दी गई। अब तक जो कल तक की सूचना थी लगभग 20,000 से 25,000 जगहों पर ये काम हुआ है। हर जनपद में ये काम तेजी से हो रहा है और संवाद बनाकर, सहयोग करके जो है इस काम को किया जा रहा है, जिससे कि स्वेच्छा से लोग कानून का पालन करें और उसको आगे बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ थे एसीएस होम अवनीश अवस्थी जी। उन्होंने कहा कि सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं और 30 अप्रैल यानी जो लास्ट डेट है उसके पहले पहले ये लाउड स्पीकर की जो जहां पर जो परमिसिबल लिमिट है वो कर दी जाएगी या फिर जो आपसी सहमति से लाउड स्पीकर हटाने की कार्रवाई है वो कर दी जाएगी। अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो वो अपने संबंधित थाने में शिकायत कर सकता है। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र के साथ विवेक त्रिपाठी, बीबी गंगा, लखनऊ। और वहीं सहारनपुर में पुलिस ने हिंदू योद्धा परिवार नाम की एक संस्था पर लाउड स्पीकर के संबंध में कार्रवाई की है। दरअसल हिंदू योद्धा परिवार की ओर से हिंदू नववर्ष पर एक मुहिम शुरू की गई है। बिल्कुल, और जिसमें हिंदू योद्धा परिवार सहारनपुर के हर उस मंदिर जिस पर लाउड स्पीकर नहीं है उन मंदिरों पर लाउड स्पीकर लगाने की शुरुआत कर रहा है। इसकी सूचना पर पुलिस ने संस्था के अध्यक्ष हैं चौधरी विश्व सिंह कम्बोज, उनको गिरफ्तार किया है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर्स हटाने की कार्रवाई के बाद अब रेलवे लाइन, प्लेटफॉर्म्स और रेलवे स्टेशन पर बने जो धार्मिक स्थल हैं उन्हें हटाने की कवायद करने की बारी है। बिल्कुल, और ऐसे में देखिए आगरा रेल मंडल में कई मंदिर और मस्जिद मजारों को नोटिस जारी कर दिया गया है। राजा मंडी रेलवे स्टेशन स्थित चामुंडा देवी मंदिर को शिफ्ट करने का मंदिर प्रशासन को नोटिस जारी किया गया है। वहीं कैंट रेलवे स्टेशन पर बने बाबा भूरे शाह मजार को अतिक्रमण हटाने के लिए भी नोटिस जारी किया गया है। नूरी मस्जिद के इमाम से भी मस्जिद को शिफ्ट करने के लिए नोटिस दे दिया गया है। और उधर आगरा में ताजमहल पर फिर विवाद होने की आशंका है। दरअसल ताजमहल वर्सेज ताजो महल विवाद के बीच ताज के पीछे यमुना किनारे बने दशहरा घाट पर भव्य आरती की तैयारी है। हर सोमवार को अब पहले से भव्य आरती वहां पर होने वाली है। दशहरा घाट पर स्थित शिव मंदिर के बाहर यमुना किनारे वाराणसी और सोरों की तर्ज पर भव्य आरती होगी। आगरा प्रशासन, पर्यटन विभाग और हिंदूवादी संगठन मिलकर ताजमहल के साये में भव्य आरती की तैयारी कर रहे हैं।
तो ये तस्वीरें हैं जहां पर एक तरफ ताज है तो दूसरी तरफ आरती की तैयारी, यमुना आरती की तैयारी की जा रही है। बड़ी खबर मिल रही है जालौन से, जहां सड़क हादसे के बाद बवाल की खबर है। हादसे में एक शख्स की जान गई है, जिसके बाद यहां के लोगों के बीच गुस्सा है। ट्रैक्टर ट्रॉली समेत 6 दुकानों में आग भी लगाई गई है। आपको बताएं कि ईंट ले जाते वक्त ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार को कुचला, इसके बाद इस पूरे मामले ने तूल पकड़ा है। पुलिस ने बवाल करने वाले कुछ आरोपियों को हिरासत में लेकर के पूछताछ भी शुरू कर दी है, लेकिन पूरा मामला शुरू होता है ईंट लेकर जाने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली से। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रवीण जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। प्रवीण, क्या इस वक्त इस मामले को लेकर अपडेट है, कैसे ये सड़क हादसा हुआ, किसकी लापरवाही थी? ये बताना चाहिए, औरैया साइड से वो ओवरलोड लीड का ट्रैक्टर आ रहा था, तभी अचानक शादी समारोह से लौट रहे दो बाइक सवारों को ट्रैक्टर चूंकि इतना ओवरलोड था कि कंट्रोल न होने के कारण गति तेज थी और बाइक सवारों को रोन लिया। जब वो बाइक सवार में एक की मौके पर मौत हो गई, दूसरे गंभीर रूप से घायल हुआ, तो उसके परिजन साथ में आ रहे थे, उन्होंने जो गुस्से में आकर वहाँ पे कई दुकानों में आग लगा दी और ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो भी लोग मौजूद थे उन्होंने इतना गुस्सा, जो वहाँ पे ठेले और सब्जी के ठेले लगे थे वहाँ करीबन आधा दर्जन दुकानों में आग लगा दी और आधा दर्जन ठेलों को आग के हवाले कर दिया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात हुआ और किसी तरह गुस्साए परिजनों को शांत कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायल को जो है जिला अस्पताल और उच्च मेडिकल के लिए रेफर कर दिया। जी बिल्कुल प्रवीण, ये ओवरलोडिंग का मामला है और अब इसमें देखना होगा कि किस तरीके की कार्रवाई होती है। फिलहाल माहौल को शांत करने के लिए पुलिस प्रशासन ने मुस्तैदी तो दिखाई है, कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। शुक्रिया प्रवीण तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर का रुख करते हैं। उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार इको कार के टायर फटने के बाद ये कार पलटी है और पीछे से आ रही दो गाड़ियों के इको कार से टकराने की भी खबर है। इस हादसे में मासूम समेत 3 लोगों की जान गई है और 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और चलिए अब बात करते हैं कोरोना के बढ़ते संक्रमण की। दरअसल यूपी में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर योगी सरकार गंभीर है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक का कहना है कि दिल्ली के आसपास एनसीआर में, गाजियाबाद में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, और जिन लोगों को कोरोना की समस्या है उन्हें इलाज दिया जा रहा है, ये चीजें सुनिश्चित की जा रही है, तमाम व्यवस्थाओं पर नजर है। हमारी सरकार पूरी तरह से सतर्क है, एनसीआर में दिल्ली के आसपास और लखनऊ में इस प्रकार के मामले आए हैं, उनको हम लोगों ने ट्रेस किया है और जांच का दायरा बढ़ा रहे हैं और उनको आइसोलेट करके उनको उचित चिकित्सा व्यवस्था घर पर उपलब्ध कराई जा रही है। यदि आवश्यक हुआ तो अस्पताल में भी भर्ती के सारे इंतजाम हमने किए हैं। हर स्तर पर पूरी तैयारी है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, ऑक्सीजन प्लांट सभी सीएचसीज में संचालित किए जा रहे हैं। हर स्थिति से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है।